प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कटनी के सावरकर वार्ड LIC बिल्डिंग के पीछे निर्मित आनंद प्लास्टिक नामक संस्थान गोदाम में सुबह 4:30 बजे दरमियानी आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग इतनी भयानक हो गई प्लास्टिक होने के कारण कि उसको बुझाने में कई घंटे मशक्कत करना पड़ी। उसके बावजूद आग पर काबू पाया नहीं गया। निरंतर दमकल की गाड़ी आने जाने का क्रम जारी है। रहवासी क्षेत्र होने की वजह से दमकल गाड़ी को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुबह एक दमकल गाड़ी कटनी स्टेशन दिलबहार चौराहे में घोड़े को बचाने के चक्कर में एक दुकान में जा घुसी, जिसके कारण दुकान संचालक का काफी नुकसान भी हुआ है। वहीं देखा जाए तो उपस्थित लोगों का कहना है कि रहवासी क्षेत्र होने के कारण लोगों को प्लास्टिक के धुएं के गुब्बारे से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चार बज के 50 मिनट में भैया हम लोगों को फोन आई, हम सीधे फायर ब्रिगेड ऑफिस गए। फायर ब्रिगेड ऑफिस में 3 गाड़ी अवेलेबल थी, एक गाड़ी दो, ये उनकी अच्छी बात थी कि उन लोग निकले तुरंत, उठे तुरंत,
एक गाड़ी उनकी गेयर बॉक्स सही नहीं था, दूसरी गाड़ी बरी रोड में एक्सीडेंट हो गई, मौके पे केवल इनके पास एक गाड़ी। अगर दो गाड़ी तुरंत अवेलेबल होती, एक नीचे से और एक ऊपर से मारती, तो आधे घंटे के अंदर आग बुझ जाती। हादसा बड़ा नहीं होता, इतना इंतजार करना पड़ा गाड़ियों का। फिर मैं खुद आर्टर फैक्ट्री गया उनकी गाड़ी लेने, उन्होंने बोला कि भैया ड्राइवर को कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो क्या एक ही ड्राइवर अवेलेबल है वहाँ पे इतनी बड़ी आर्नर फैक्ट्री में? आग लग रही थी, देर होती गई और ये बढ़ती गई। आग लगने का कारण क्या था? शॉर्ट सर्किट से ही लगी होगी आग, बिजली की खड़क। गोडाउन तक इंडस्ट्री, गोडाउन है प्लास्टिक, क्या भरा उसके अंदर? बाल्टी, मग्घे, ये सब प्लास्टिक का पूरा मटेरियल। कितनी लागत का माल रखा होगा इसमें? 20-25 लाख के आसपास होगा, नीचे ऊपर पूरा भरा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है, बगल वाली दुकान हमारी गोदाम है, रतन हाउस। ये कैसे क्या दुर्घटना हो गई आज? हम लोग घर में थे सुबह, यहाँ लोगों का फोन आया कि भाई आपकी दुकान में अंदर फायर ब्रिगेड घुस गई है। फायर ब्रिगेड अनकंट्रोल ना, उसने पूरा दुकान के अंदर पूरी अंदर फंसी हुई थी। बाहर हम लोग जब आए तो जेसीबी उसको बाहर निकाल रही थी। तो आए तो दुकान का पूरा छतर, अंदर कंप्यूटर वगैरह सिस्टम पूरे खराब हो गए, मीटर वीटर सब उखड़ गए। यहाँ बोरिंग की मशीन लगी थी वो भी उखड़ गई पूरी तरह से, पीओपी वगैरह पूरा अंदर नुकसान हो गया। कोई जनहानि वगैरह? जनहानि कोई आदमी यहाँ था नहीं अंदर, न दुकान में न बाहर। लगभग कितने बजे की बात है? हम लोगों को लगभग 6:15 बजे फोन आया, ये 6 बजे के आसपास की घटना है। 6 बजे की घटना है। क्या नाम है आपका? मेरा कमल कोटवानी। आप दुकान आपकी है? दुकान मेरे बड़े भाई के नाम है, निश्चल कोटवानी का नाम, दुकान में मैं ही बैठता हूँ। सर ये आगे कैसे क्या लगी आप? ये मित्तल इंप्लांट के सामने नई बस्ती में आनंद प्लास्टिक में आग लगी है, जिससे पूरा प्लास्टिक का सामग्री जल गई है, अनुमानित 50 लाख का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड द्वारा मौके से आग बुझाई जा रही है। कितने बजे आपकी घटना लगी? कितने बजे आग लगी थी घटना? हुआ की है लगभग 5:30 के आस पास। की बिल्डिंग है, आनंद प्लास्टिक वाले हैं, जैसी जानकारी लगी है तो प्रशासन से जानकारी मिली है, प्रशासन से एक्टिव हो गया है और उसके बाद जो है जेसीबी आई है, हमारे को फोन लगाया जाना है साहब, जैसे फोन आया हमारे पास जेसीबी बाकी थोड़े हैं पीछे आप इसे तक पार्षद है? पार्षद है। नाम क्या है? क्या नाम?